अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ एम आई गोइंग टू पुट दिस ऑन दिस। हाय एवरीवन, दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज माय न्यू GoPro हीरो 8 ब्लैक। व्हाट्सअप, चेक दिस स्टफ आउट। ये अभी तक बंद है और इसको आए हुए मेरे पास तकरीबन डेढ़ हफ्ता हो चुका है। इट वॉज सपोज टू बी आउट ऑफ दिस बॉक्स बट अभी तक नहीं हो सका। मैं इसको फोर्ट मनरो लेके गया, मैंने वहाँ अनबॉक्सिंग करनी थी लेकिन मैं नहीं कर सका, मैं वापस लेके आया। सो दिस कैमरा हैज़ कम फ्रॉम US और US से लाहौर आया, लाहौर से फोर्ट मनरो गया, फोर्ट मनरो से वापस लाहौर आया और अभी तक इसकी अनबॉक्सिंग नहीं हुई। बट नाउ वी आर गोना डू दिस बिकॉज कल एक वीडियो शूट करनी है। दिस इज़ एक्सेसरीज इंक्लूडेड बंडल, स्पेशल बंडल, और 63,000 इसकी प्राइस है। इसके अंदर आपके पास हेड माउंट है, एक्स्ट्रा बैटरी है, 32 GB का कार्ड है और ये वाला ट्राईपॉड है। वेरी यूज़फुल आइटम, बड़ा छोटा सा होता है। अभी मैं इसमें से सिर्फ माउंट निकालूंगा, मैं आपको कुछ और नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बाकी की अनबॉक्सिंग जो है इसकी वो कल होगी। ठीक है, तो लेट्स डू दिस। ओह ये ऑलराइट, ये पता नहीं क्या लगा हुआ है इसके नीचे। मैं चाह रहा था कि मैं इसको पता नहीं दोसाई के मैदानों में जा कर अनबॉक्स करूँगा लेकिन वो ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा मुझे, लिहाजा अब जैसे भी है भाई निकल आओ, क्या चाहते हो, कितनी मेहनत करवाओगे। ओके ओ ये ऑलराइट। अब मेरे पास इस तरह के तीन बॉक्सेस हो चुके हैं। मेरे पास हीरो सेशन का बॉक्स है, मेरे पास हीरो 4 का बॉक्स है, मेरे पास हीरो 8 का बॉक्स है। सो दिस इज़ अ बिग 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 जंप, लेकिन मेरे ख्याल से इट हैड टू हैपन। और दिस कैमरा इज़ वाटर प्रूफ आउट ऑफ द बॉक्स और इसमें काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। सबसे बड़ी इनोवेशन इसकी, मैं इसे रिव्यू नहीं कर रहा अभी, I'm not gonna review this camera right now, maybe in some other video। अभी के लिए मुझे जो इसमें से चीज़ चाहिए वो GoPro Plus है। इसकी वारंटी होती है, वो मैंने नहीं ली, ली जा सकती है अगर आप बाहर रहते हैं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, आपको ले लेनी चाहिए। इसमें से मुझे जो चीज़ चाहिए, बाकी सब चीज़ें मैं बाद में आपको बताऊँगा कि क्या क्या है, मुझे इसमें से सिर्फ ये चाहिए इस वक्त। प्लस ऑब्वियसली आई नीड दिस टाइप सी केबल बिकॉज आई हैव टू चार्ज दिस कैमरा बिकॉज सुबह मैंने शूट करना है। और ये कार्ड मैं नहीं निकालता, मेरे पास एक्स्ट्रा कार्ड पड़ा हुआ है नया, सुबह के शूट के लिए मुझे ये चाहिए बेस। ये जाएगी LS2 पे, प्लस आई हैव टू हैव दिस टाइप सी केबल बिकॉज आई नीड टू रिचार्ज दिस GoPro। आप जो भी चीज़ लेते हैं आउट ऑफ द बॉक्स इट इज़ नॉट चार्ज्ड फुली and you're supposed to charge it जैसे ही आप उसको बॉक्स से बाहर निकालें। सो दिस गोज हेयर, दिस थिंग कैन वेट। अब मैं आपको बताऊँगा कि हाउ एम आई गोइंग टू पुट दिस ऑन दिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, बिलाल भाई ने दिया था, ये गंदा हो गया, यूज़ हो के ये सारे माउंट्स इधर। दिस इज़ वेरी यूजफुल थिंग, महंगी है लेकिन वेरी यूज़फुल। दिस इज़ बाय GoPro ऑफिशियल एक्सेसरी, $60 की है या $70 की है ये, पर मेरे ख्याल से इतने की होगी। इस सब पे बाद में बात करेंगे इन सम अदर वीडियो। अभी के लिए आई हैव टू डील विद दिस थिंग, मुझे इस पर ये कैसे लगाना है मुझे ये देखना है। थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं कैमरे का। ओ स्मूथ बेबी, अच्छा अब जो माउंट मैंने लगाना है वो माउंट ये वाला है और इसको मुझे फिगर आउट करना है कि मैं इसको कैसे लगाऊंगा तो कैमरा सीधा रहेगा। दिस इज़ वेरी ट्रिकी पार्ट। ओके, जो सरफेस है इसका यहाँ से वो इसको 100% तो नहीं कह सकते आप,
बट इट्स गोइंग टू वर्क. मैंने आज तक जितने भी माउंट्स यूज़ किए हैं वो सारे दे आर वेरी सॉलिड एंड नन ऑफ देम केम ऑफ. कभी भी टूर पर बाइक चलाते हुए कभी भी कोई भी उतरा नहीं है. आप लोग हमेशा पूछते हैं कि हाउ टू माउंट अ कैमरा, तो मेरे ख्याल से दिस विल सर्व एज अ ट्यूटोरियल. फुल स्केल ट्यूटोरियल नहीं है ये, मे बी आई विल कम अप विद अनदर वीडियो. फॉर नाउ आई हैव टू गेट दिस थिंग ऑन और मुझे इसको दरमियान में लाना है. इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट विदाउट मॉडिफिकेशंस. थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, ये इसके सामने आएगा नहीं. सामने मैं नहीं लगा सकता क्योंकि इसके सामने वेंट्स हैं एंड दोज वेंट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट. लेकिन फिर भी आई हैव टू डू इट राइट नाउ क्योंकि सुबह मुझे चाहिए. कैसे करूँ मैं इसको, इससे आगे मैं नहीं आ सकता. मेरा ख़्याल है कि ये एंगल ठीक भी है. दिस इज़ गोना गो हियर. स्क्रूज़ का साइज़ भी होता है, ये बड़ा स्क्रू है, ये छोटा स्क्रू है. देयर इज़ सो मच टू टॉक अबाउट. ओके, दिस इज़ लाइटर देन दिस वन बिकॉज दिस वन हैज़ केसिंग, दिस वन डजंट. इट इज़ वाटर प्रूफ आउट ऑफ बॉक्स. I need to take this off. आप में से जो लोग व्लॉगिंग करना चाहते हैं, मेरे हाथ उनके लिए बहुत रेलिवेंट वीडियो है. जो लोग व्लॉगिंग नहीं करना चाहते दे कैन स्किप. लेकिन फिर भी इस सेटअप, अगर ये सेटअप नहीं होगा तो आप तक वीडियो नहीं आएंगी. दिस इज वॉट मेक्स इट पॉसिबल. अच्छा, मुझे देखना है कि किस पॉइंट पर सरफेस का कांटेक्ट सबसे ज़्यादा है और मुझे कैमरा वहाँ इंस्टॉल करना है. पता नहीं ये लोग हेलमेट बनाते हुए इस चीज़ को क्यों नहीं कंसिडर करते. अच्छा, सबसे ज़रूरी बात ये है कि आई डोंट वांट एनी स्क्रैच ऑन दिस हेलमेट. अभी नया नया इसलिए सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं. अब इजीली ऑपरेट किया जा सकता है. कोको मोगर किसी ने खानी है तो ऑलवेज वेलकम. ये 3mm का है माउंट. अगर आपने GoPro यूज़ करना है तो इट्स बेटर यू यूज़ ऑफिशियल माउंट्स बेसिस क्योंकि वो अच्छा काम करती हैं, रिलायबल होती हैं. यार यहाँ तो सरफेस बन नहीं रहा, इसके नीचे मुझे कुछ और लगाना पड़ेगा. इसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या लगाऊं. पहले ये होता था कि इस तरह के दो माउंट्स आते थे, ये वाली बेस जो है. अब GoPro कंजूस हो गया और अब वो एक माउंट दे रहे हैं. अगर मैंने 100% सरफेस कांटेक्ट करना है इस माउंट के साथ तो आई विल हैव टू गो विद दिस. मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके ये वाले एजेस यहाँ पर एक बारीक पट्टी लगानी है, इसकी दरमियान में दो जगहों पे और इधर. मुझे ये लग रहा है कैसे करना पड़ेगा. इस डबल टेप का क्रेडिट जाता है इजाज़ भाई को, ये उन्होंने मुझे दिया ये वाली. अच्छा, और इंटरेस्टिंग ये है कि ये लगाने के बाद आपने इसको तकरीबन 12 घंटे यूज़ नहीं करना. और मैंने अपने सारे हेलमेट्स पे यूज़ किया हुआ है, मैंने बाइक पे यूज़ किया हुआ है ये माउंट. ये कहीं जाते नहीं हैं वंस दे आर नाइसली फिक्स्ड. अब मैं बस सोच रहा हूँ कि मैं इसको जितना अच्छी तरह हो सकता है पुश कर दूँ. इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है. अब मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि हमें माउंट लगाना बताएं, तो हेयर इट इज़ हमारा पहला माउंट LS2 स्कोपर. और
this is for primarily any GoPro you use. GoPro ही नहीं, आप कोई भी कैमरा यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स कैम, तो आप उसके साथ वो इन्हीं माउंट्स पे लगेगा, लिहाजा दिस इज़ यूनिवर्सल. प्रेस इट एज हार्ड एज यू कैन ताकि कोई बचे ना जगह जहाँ से इसका सरफेस उसके सरफेस से ना मिला. ओके मुझे लग रहा है कि फिट हो गया. मैं अब इसको ज़्यादा वज़न नहीं डाल रहा, लेकिन मैं सिर्फ कैमरे को उस पर लगा कर देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये सही लग गया पोजीशन. अगर नहीं भी लगा तो अब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी बिकॉज आई एम ह्यूमन तो ये यहाँ आएगा. कितना आगे है ये. अब ये वाले आर्म, ये वाला यूज़ किया है, मैं इसको बाद में चेंज करके कोई छोटा आर्म भी लगा सकता हूँ, डेट्स नॉट एन इशू. यहाँ से अभी मुझे इसके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि बेस वीक है अभी. अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ और सुबह इसको हम देखेंगे. इट्स लाइक दही जमाने के लिए क्या होती है, फर्मेंटेशन कहते हैं उसको, पता नहीं क्या प्रोसेस होता है. हो दिस इज़ इट गाइस, दिस इज़ इट. अच्छा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस बन सकती हैं जो माउंट में नहीं लगाया, क्योंकि ये चीज़ें ये सब कुछ हाँ इसीलिए होता है कि आप माउंट को किसी न किसी एंगल से किस तरह से लगाते हैं. और ये सारी जो है ना, दीज आर द लॉक्स. मैं इससे बाद में वीडियो बनाऊंगा, अभी तक के लिए इतना ही है. इस हेलमेट पर नॉइज़ कि क्या सिचुएशन है, आप लोगों ने मुझसे वीडियो में ही पूछा फोर्ट बनरू की. और फोर्ट बनरू की वीडियो बाय द वे अगर आपको अच्छी लगी है तो ठीक है, मैं आपको इसका भी फीडबैक दूंगा. लेकिन मैं किसी भी चीज़ का फीडबैक तब तक नहीं देना चाहता जब तक मैं उस चीज़ को अच्छी तरह यूज़ ना कर लूँ. तो TRK चलाने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि TRK की फीलिंग्स क्या है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो, और आप अगर लेना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए. ठीक है, होप यू गाइस लाइक दिस कॉन्टेंट. थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि ऑब्वियसली टेक्निकल है, ये वो चीज़ है और ये सब जिस की वजह से आपको मेरी वीडियोस देखने को मिलती हैं. और आप में से काफ़ी लोग इंस्पायर होकर वीलॉगिंग करना चाहते हैं, लिहाजा मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं. या लॉट मोर टू कम. सी यू गाइस, बाय.